दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि जियो सिम पर यदि आप दो बार रिचार्ज कर देते हैं बाई मिस्टेक तब आपका क्या रिचार्ज का पैसा वापस आएगा, क्या ऐसा नियम है कि रिचार्ज का पैसा आपका वापस आएगा यदि डबल रिचार्ज पड़ गया है, और पड़ गया है तो आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है कि आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा, पूरी सच्चाई हम आपको बताते हैं एक मिनट के अंदर अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यदि आपके जियो नंबर पर दो बार रिचार्ज पड़ जाता है तो इसके लिए दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन कि ए रिचार्ज प्लान जो पड़ा है दो बार चाहे तो आप इसे यदि एक्टिवेट नहीं करते हैं तो ये रिचार्ज आपके अगले महीने में ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, यानी अगले महीने में आप में जुड़ जाएगा, यानी कुल मिला जुला कर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चांस क्या, पैसा आप वापस ले सकते हैं दुकान वाले से जो गलती से डाल दिया है, तो ऐसा कोई चांस नहीं है। पैसा चला गया तो चला गया, वो आपके खाते में चला गया। तो ऑप्शन से एक्टिवेट कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि हमारे नंबर पे दो बार रिचार्ज आया है, तो उसके लिए आपको माई जियो एप्लीकेशन से इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और उसमें अपना नंबर डालकर इंस्टॉल करना है। उस नंबर पे जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से ऑप्शंस दिखेगा, उस पर व्यू प्लान का ऑप्शंस मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शंस दिखेगा, तो उसमें वो भी प्लान दे देगा जहां पे भी आपको वहां पे एक्टिवेट करने का ऑप्शंस देगा। यदि आप चाहते हैं तुरंत उस प्लान को एक्टिवेट करना तो तुरंत क्लिक करेंगे तो वो भी रिचार्ज आपका जुड़ जाएगा, यानी आपका दोनों रिचार्ज जुड़ जाएगा। यदि आप उसको नहीं एक्टिवेट करेंगे तो महीने के लास्ट में जब वो रिचार्ज खत्म होगा तो वो रिचार्ज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, यानी डन हो जाएगा। तो ये बहुत ही फायदे की बात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका रिचार्ज क्यू में पड़ा रहता है, यानी आपके खाते में पड़ा रहता है, आप चाहें तो उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने का एक नंबर होता है 1991, उस पर भी हिंदी के लिए एक दबाएंगे, चार दबाएंगे, एक दबाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा, या माई जियो से जाकर आसानी से कर सकते हैं। तो डबल रिचार्ज पड़ा है तो इतनी सच्चाई है, आगे कुछ नहीं। तो लाइक कर दीजिएगा।